हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास से DW801 एंगल ग्राइंडर जो डे वॉल का है, और यहाँ पे देख सकते हो मशीन बहुत जाम है, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपका मशीन जाम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो कैसे आप रिपेयर कर पाओगे। ये थोड़ा मशीन को चला लेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत जाम है, बहुत स्लो घूम रहा है, मतलब यहाँ पे बेयरिंग ख़राब हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें अंदर क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो, ये मेरा नया चैनल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे साइड में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर स्पेयर के लिए आप मेरा लिंक चेक कर सकते हो, आपको वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कार्बन क्या जो कार्बन कवर रहता है उसको खोल चुका हूँ, और खोलने के बाद कार्बन आपको खोलना पड़ेगा, कार्बन भी मैं खोल चुका हूँ। अभी चार्टो हेड में जो चार्टो स्क्रू लगता है, गियर हाउसिंग के साइड में मोटर हाउसिंग में चार्टो स्क्रू लगता है, उसको आपको निकालना है। और यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ उसको। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है technicalsitam.co.in में आप जाके मेरे स्पेयर पार्ट्स भी चेक कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साइट में दिया गया व्हाट्सअप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप चाह रहे हो मैं आपका मशीन रिपेयर करूँ, तो ज़रूर साइट में दिया गया नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप मुझे एड्रेस लेके आप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस मिल जाएगा, आप जाकर चेक करके मशीन भेज सकते हो। वहाँ से आपको कहीं पर भी इंडिया के हर एरिया से आप मशीन भेजते हो, बहुत लोगों ने भेजते हैं मशीन, तो आप भी भेज सकते हो। ओके, कार्बन मैं यहाँ पर कार्बन खोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से दोनों कार्बन आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो आर्मेचर निकालोगे तो कार्बन ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ा पीट लेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो बेयरिंग है पूरा सीज हो चुका है, और ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, और उसका रबरिंग भी नहीं है इसमें, तो शायद ये मेल्ट हो गया रबरिंग। ओके, ऊपर वाला बेयरिंग सही है, और ये जो नीचे बेयरिंग लगता है यहाँ पे पूरा ख़राब हो चुका है, और ये देखिए रबरिंग पूरा मेल्ट होके एक बॉल बन चुका है। ओके, तो ये बेयरिंग जाम हो गया है, तो इसके वजह से कस्टमर कंटिन्यू चला है बार बार, तो शायद काम ख़त्म करने के लिए चला गया है, तो ये पूरा डैमेज हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप उसका बेयरिंग चेंज कर सकते हो। अगर नीचे वाला बेयरिंग चेंज करे हो तो आप कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पर देखिए उसका आर्मेचर है बिल्कुल सही चल रहा है, और कोई इशू नहीं है, बस इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें नीचे वाला बेयरिंग। और आपको आर्मेचर में ऊपर में आपको मिल जाएगा पिनियन, और पिनियन के साथ आपको गियर मिलेगा, जो गियर हेड में जो रहता है उसको भी आपको चेक करना है। पीछे वाला बेयरिंग हमको यहाँ पे पुलर में निकाल लेंगे। अगर आपको ये पुलर चाहिए तो मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, technicalsitam.co.in मेरा वेबसाइट है, तो बहुत जल्दी आपको मेरा नया वेबसाइट मिल जाएगा। तो ये मेरा पुराना वेबसाइट है, तो वहाँ से जाके आपको सर्विस पेपर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, ऊपर वाला बेयरिंग आपको 608 जो बेयरिंग रहता है उसको भी हम चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों हमको क्या करना है, बेयरिंग चेंज करना है, 607 वाला नीचे वाला बेयरिंग। ओके, ये 607 का है, ये देखिए। तो आर्मेचर के कम्यूटेटर के तरफ आपको 607 वाला बेयरिंग लगेगा, और यहाँ पे थोड़ा मार्क कर लीजिए अगर आपको डाउट है। तो नया बेयरिंग जब पुराना बेयरिंग जब लगाते हो है लगा है, तो उस टाइम आपको कोई मार्कर लेके आपको मार्क करना है, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे कर लोगे तो परफेक्टली नहीं बिठेगा, ध्यान दीजिएगा ज़रूर। और ये तो आपको फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप कैसे उसको फिटिंग कर पाओगे। अगर आप नया काम कर रहे हो तो मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं तो आप एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी फंस जाते हो, तो इसके पास है बहुत लोगों ने मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं। तो ऊपर वाला बेयरिंग नीचे वाला बेयरिंग 607 608 दोनों बेयरिंग में चेंज कर लिया, और वहाँ पर ये रबरिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो रबरिंग लगाने के बाद हमको यहाँ पर आर्मेचर लगाना है, डायरेक्शन थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल सही लगा, अगर टाइट हो रहा है तो थोड़ा पीट भी लोगे तो सही से हो जाएगा। ओके, तो ये स्मूथली घूम रहा है, तो कोई और इशू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हेड लगा लेंगे, और चार्टो स्क्रू टाइट कर लेंगे। मैं स्पीड करके स्क्रू टाइट करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो दोस्तों कोई भी आपको जानकारी के लिए आप मेरे साइड में दिए गए नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो मैं आपका मैसेज रिप्लाई करूँ तो ज़रूर आप मुझे कॉल कर सकते हो, नहीं तो आपको मेरा डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा, आप मुझे भेज सकते हो। इंडिया पोस्ट में ये मशीन अगर भेजेगी तो 70-80 रुपये के आसपास से मेरे पास पहुँच जाएगा। 80 रुपये लगता है, 82 रुपीज़ लगता है, तो ज़रूर भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, कार्बन हम यहाँ पे लगा लेते हैं नोज प्लस से। ओके, तो यहाँ पे देखिए कार्बन लग गया, दूसरी तरफ हम कार्बन लगाएंगे, यहाँ पे भी लग गया, तो अभी थोड़ा मशीन को चला लेंगे। ओके, बिल्कुल सही से हमारा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका मशीन साउंड हो रहा है तो दोबारा थोड़ा उसको निकाल के गियर वगैरह चेक कीजिए, बेयरिंग अगर फिटिंग सही से नहीं की हो तो साउंड आ सकता है, तो ये इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा ज़रूर। अगर ग्रीसिंग नहीं की हो ग्रीसिंग भी जरूर कर दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा और कोई इशू नहीं होगा। तो ये वीडियो में और कोई दिक्कत नहीं है मशीन में, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।